ट्रेंड्स क्या है, जनरली लोग इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। एक्चुअली ट्रेंड्स है क्या, ट्रेंड्स नहीं ध्यान देने के पीछे का लॉजिक है कि ट्रेंड्स अभी के जो अभी के जनरेशन मतलब अभी जो चल रहा है जेम पे, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेंड्स की जरूरत ही नहीं पड़ती अपने। ट्रेंड्स की जरूरत पड़ेगी, आगे पड़ेगी, जब यहाँ पे ज्यादातर सेटिंग नहीं रहेंगे। अभी फिलहाल क्या होता है कि सब सेटिंग्स पे चलो, आपका पहचान है बाहर का तो ऑर्डर मिलेगा, भले आपकी रेटिंग कितनी भी कम हो और कितनी भी ज्यादा हो। आपकी रेटिंग 1 हो और किसी का रेटिंग 5 है, तो भी 5 वाले को ऑर्डर कभी नहीं मिलेगा यदि बाहर के साथ उनकी पहचान है। मतलब नहीं मिलेगा, इन शॉर्ट ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, मिलने के चांसेस कम है, और मेरी रेटिंग 1 है तो भी मिलने की चांसेस मेरी ज्यादा है यदि मेरी बाहर से अच्छी पहचान। सेम हर चीज में ट्रेंड्स भी वैसे ही काम करता है ना। तो यहाँ पे ये सभी चीजें बाद में काम आने वाली है, जब यदि कहीं पर आपकी जहां पे जेन्युइन बायर है, कोई सेटिंग्स नहीं है कुछ नहीं है, तो यहाँ पे वो चीज की यूज होने वाली ट्रेंड्स। तो ट्रेंड्स क्या इंफॉर्मेशन देता है ये मैं आप लोगों को बता दूं। ट्रेंड्स बताता है आपको कि मार्केट में इस प्रोडक्ट का ट्रेंड्स क्या चल रहा है, इससे पहले जो प्रोडक्ट गए क्या रेट में ये प्रोडक्ट सेल हुआ, कितनी बार ये प्रोडक्ट सेल हुआ, इस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली इस प्रोडक्ट को सेल कितनी बार हुआ, इस प्रोडक्ट का पूरा अभी तक का जो सिलेबस है मतलब रेट है, कितने कितने रेट में कहाँ पे ऑर्डर मिला, किसको ऑर्डर मिला, ये सब पूरा इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है ट्रेंड्स। देखो दिखाता हूं मैं, इसको ट्रेंड्स बोलते हैं, मतलब इसका ट्रेंड्स, इसको प्राइस ट्रेंड्स भी बोल सकते हो, है ना, जेम का प्राइस ट्रेंड्स। पूरा जेम अपडेट हो गया, खाली प्राइस ट्रेंड्स ही अपडेट नहीं हुआ, इसमें हमेशा प्रॉब्लम रहता ही है। चलो अभी ये हो गया, दिस प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड 1 टाइम, एक बार सोल्ड हुआ है स्ट्रीट लाइट में से। स्ट्रीट लाइट का ऑर्डर जो पड़ा है, स्ट्रीट लाइट मतलब इस कैटेगरी को 959 आइटम बार परचेज किया गया, उसमें से ये प्रोडक्ट को सिर्फ एक बार ऑर्डर मिला है इस प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट का वैल्यू कितना था, 70,000 रुपया का ऑर्डर मिला है, और इस कैटेगरी को टोटल कितने रुपीज का अभी तक वैल्यू मिला है, तो 28,95,000, एक नहीं रे 28,95,41,420 रुपीज का अभी तक ऑर्डर मिला है इस कैटेगरी में। और उसमें से अभी जो प्रोडक्ट हम लोग देख रहे हैं, उस प्रोडक्ट को 70,000 रुपया का ऑर्डर मिला है, और एक ही आदमी को एक बार ऑर्डर मिला है, ये मुझे अभी तक टोटल बताया जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका प्राइस ट्रेंड्स नहीं दिख रहा है क्योंकि एक ही है, फिर भी इसको दिखना चाहिए था एक्चुअली। इसके ग्राफ दिखते हैं किस हिसाब से किसको ऑर्डर मिला, और ये ऑर्डर मिला किसको है, 7,000 रुपया यूनिट प्राइस 7,000 के हिसाब से 70,000 का होता है, दिल्ली में इसको ऑर्डर मिला है, और किसको मिला है, तरुण इंटरप्राइजेस को, है ना। 7,000 रुपया में एक प्रोडक्ट का प्राइस के अकॉर्डिंगली 10 क्वांटिटी का ऑर्डर मिला है, किसको मिला था, ये तरुण इंटरप्राइजेस को, मतलब ये प्रोडक्ट एक बार ही सेल हुआ है, और सोलर स्ट्रीट लाइट जो कैटेगरी है उसमें से टोटल 70,000 कितना 959 टाइम सोल्ड हुआ है। अब इसके सब कैटेगरी देखते हैं, सब कैटेगरी क्या बोलता है। अब यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जो कैटेगरी है वो सब आपको यहाँ पे दिखना चालू हो जाता है, और उसको क्या ऑर्डर हुआ है वो भी यहाँ पे पता चलता है। एक्चुअली ये खुल नहीं रहा है, नहीं तो यहाँ पर भी सेम आपको ग्राफ्स के अकॉर्डिंगली दिखना चालू हो जाता है। तो ये आपको एक ट्रेंड्स बताता है, मतलब इस प्रोडक्ट का ट्रेंड्स। अब ये प्रोडक्ट है तो ये 7,000 रुपये में कौन बेच रहा है, देखो उसने शायद अपना प्रोडक्ट निकाल दिया है, नहीं तो अभी प्रोडक्ट आपको उसको दिखता था जो किसको ऑर्डर मिला, 7,000 रुपये से उसको 10 क्वांटिटी का ये प्रोडक्ट का ऑर्डर मिला है। सेम हम लोग दूसरा कोई भी प्रोडक्ट का हम लोग ट्रेंड्स देख सकते हैं, और भी अभी ये प्रोडक्ट का ट्रेंड्स देखना है तो इस प्रोडक्ट का ट्रेंड्स देख सकते हैं, इसको प्राइस ट्रेंड्स भी बोलते हैं। लास्ट 6 मंथ का डेटा दिखाता है, ये प्रोडक्ट को कोई एक बार भी परचेज नहीं हुआ है, किसी ने इस प्रोडक्ट का ऑर्डर अभी तक हुआ ही नहीं है, किसी ने ऑर्डर इसको नहीं दिया है, ऑर्डर दिया होता तो इसका प्राइस ट्रेंड अपने को बता दो।
ओपन नहीं हो रहा है शायद, मुझे लगता है ऐसा नहीं होता क्योंकि इसकी रेटिंग भी खराब हुई है, तो 100% इसका ऑर्डर होना ही चाहिए था। ये प्रॉपर खुल नहीं रहा है, नहीं तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स आता था। हाँ, तो सब कैटेगरी में भी कुछ नहीं आना, जैसे पिछले का आया था वैसा इसमें भी इंफॉर्मेशन मिलता था। तो ये आपको प्राइस ट्रेंड इस तरीके से आपको बताता है सब कुछ। और ये जो आपको यहाँ पे बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि इस प्रोडक्ट को किसी ने, इसको ब्लैक, जो अभी ये प्रोडक्ट बेच रहा है उसकी रेटिंग खराब है और उसने ऑर्डर प्रॉपर नहीं दिया, उसको ब्लैक लिस्ट भी किया हो सकता है। इसके ऊपर क्लिक करो तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें देखो, इनके ऊपर में लास्ट एक बार इंसिडेंट रेज हुआ है, इसलिए ये लाइन आ रहा है 1 साल के अंदर। यहाँ पे आपको बताता है यदि आपको क्या इंसिडेंट रेज हुआ है, ब्लैक लिस्ट में सस्पेंड भी किया, उसका अकाउंट एक बार सस्पेंड किया है, कब से, 23/7 से लेके 13/8 तक, मतलब 15 दिन के लिए इनका अकाउंट एक बार, 25 दिन हो गया है ना, 25 दिन के लिए इसका अकाउंट एक बार सस्पेंड भी किया था। क्यों सस्पेंड किया था, उसने ऑर्डर 5 लाख के नीचे का लिया था, अप टू 5 लाख का, और ऑर्डर नहीं दिया। तो उसका पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चलता है, जो सेलर ये प्रोडक्ट बेच रहा है उसके बारे में। बोलिए, कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है? हाँ अनु मैडम बोलिए। सर क्लियर हो गया सर। सर एक्चुअली क्या इसमें पर्टिकुलर ऑफिस का भी देख सकते हैं क्या कि किस ऑफिस में कौन कौन सप्लाई कर रहा है? नहीं मैडम, ऐसा तो नहीं देख सकते। हाँ आप ऑर्डर वाइज जरूर देख सकते हैं, कोई प्रोडक्ट है तो उसका ऑर्डर वाइज आप देख सकते हो। यहाँ पे एक जेम का पूरा इन्फॉर्मेशन है, कॉन्ट्रैक्ट वाइज आप यहाँ से मिलता है, ब्लू कॉन्ट्रैक्ट में जाइए। अभी यहाँ पे आप कैटेगरी का देख सकते हो, कोई कैटेगरी है आपके पास, जैसे मुझे एलईडी स्ट्रीट लाइट का देखना है, तो डायरेक्ट ऑर्डर और किसको मिला पूरा इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिल जाता है। इस प्रोडक्ट कैटेगरी का पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, तो मुझे यहाँ पे मिल जाता है। पर्टिकुलर स्टेट का जाना चाह रहे हैं तो? नहीं मैडम, स्टेट वाइज तो नहीं मिलेगा, कैटेगरी प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज आपको मिल सकता है। ओके, तो वो 21/2 से 3/3 तक हम लोग देख रहे हैं। यदि इस कैटेगरी में किसी कोई भी ऑर्डर मिला है तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। इस कैटेगरी में 21/2 से 3/3 के बीच स्टेट गवर्नमेंट से CCF लद्दाख से ऑर्डर हुआ है, ठीक है, इसको ऑर्डर हुआ है, कितने में हुआ है, 4,92,380 में ऑर्डर हुआ है, ठीक है, ये ब्रांड का प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ है, 17 क्वांटिटी का, इतने प्राइस में। किसको मिला है ऑर्डर ये भी यहाँ पे पता चलता है। बायर का है, नाम है मोहम्मद अली, और बाइंग मोड डायरेक्ट, सेलर का भी नाम आता है यहाँ पे। ये बाइंग मोड से डायरेक्ट है, दैट मींस कि उनका कोई ये सोर्स था, मे बी, नहीं भी हो सकता है, हमें इसके थ्रू से तो नहीं बोल सकते। यहाँ पे सेलर का नाम यहाँ से सेलर का नाम आ जाएगा, क्यों किसको ऑर्डर मिला ये पता चल जाएगा। सबमिट, डाउनलोड, तो हम लोग यहाँ से इसका कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हैं। देखो ठीक है, मोहम्मद अली था, स्टेट गवर्नमेंट का था, फॉरेस्ट एनर्जी डिपार्टमेंट का, ये सेलर का आईडी है, एशियन ट्रेडर्स को मिला है। अरे एशियन ट्रेडर्स ये हमारा स्टूडेंट है। 17 क्वांटिटी का है ऑर्डर, 18,899, इसका प्राइस क्या था, 28,990 पे एक क्वांटिटी का, 17 क्वांटिटी का ऑर्डर था, ठीक है। और ये देखो इसका पूरा इंफॉर्मेशन है ना, यहाँ पे इसका सेलर का पूरा इंफॉर्मेशन, कौन है सेलर, और फिर यहाँ पे कंसाइनी का पूरा, इनका उनका पूरा डिटेल्स, एड्रेस वगैरह, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। 21 फरवरी को डिलीवरी देना है उनका, उनके पूरे इंफॉर्मेशन, क्या प्रोडक्ट डिलीवरी कर रहा है उसका पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख जाता है। इस तरीके से आप कोई भी ऑर्डर का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इससे पहले किसको ऑर्डर मिला, क्या रेट में मिल रहा है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये तो सर अगर बिड आगे करते हैं तो बिड में हेल्प करेगा ये इन्फॉर्मेशन, बिड में भी हेल्प करेगा, डायरेक्ट ऑर्डर में भी हेल्प करेगा। मान लीजिए बहुत टाइम आपकी पहचान है कोई से, इसके साथ बायर के साथ, अभी उसको बोलना है कि ऑर्डर्स मार्केट में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं, तो आप यहाँ से एक ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर डाउनलोड करके उनको दे सकते हो। अच्छा, जो ज्यादा रेट वाला है, देखो सर ये रेट में उनको ऑर्डर मिला हुआ है तो आप मुझे क्यों नहीं दे सकते। अच्छा, कभी कभी बायर डरते हैं जी ये रेट ज्यादा हो जा रहा है आपका। हाँ, और ये हमें भी नहीं समझ में आता है सर कि किस रेट में देना है, क्योंकि क्या भी रेट चल रहा है, हम भी
तो आप भी इससे एक आइडिया के तौर पे ले सकते हो, इंक्लूडिंग प्रूफ के तौर पे उनको ऑर्डर डाउनलोड करवा के दिखा सकते हो, ऑर्डर का कॉपी भेज सकते हो। थैंक यू सर। सर ये पेज कहाँ से आया सर? मैडम विदाउट लॉगिन जाना है और व्यू कॉन्ट्रैक्ट में जाना, व्यू कॉन्ट्रैक्ट में जाना है। और यहाँ पे और एक है नेचर बाय कंसाइनी एंटिटी, तो आप कोई मिनिस्ट्री या कोई डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली भी जा सकते हैं। जैसे मुझे अभी देखना है कोई भी स्टेट बताओ किसी का भी। ये बिहार में है, एक पटेल भवन है। बिहार, ओके बिहार। कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट? पटेल भवन यहाँ पे है। पटेल भवन, पटेल भवन बी, पटेल भवन पी से, पटेल भवन नहीं मैडम, पटेल भवन तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं तो दूसरा कोई डिपार्टमेंट आप देख सकते हो, या बिहार का पूरा देखना है तो भी देख सकते हो। अभी बिहार का मुझे पूरा देखना है, तो पूरे बिहार में कहीं का भी ऑर्डर प्लेस हुआ तो हम यहाँ से मुझे पता चल जाए, कोई भी डिपार्टमेंट होने दो। तो ये स्टेट गवर्नमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन इसमें डिटेल्स नहीं डाला है। लेक्चरर है डेजिग्नेशन, बिहार में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज गोपालगंज, यहाँ पे इसको लिया था। इसने कौन सा ऑर्डर लिया था? अनब्रांडेड एग्जीक्यूटिव टेबल लिया था उड़न का। इससे आप पता भी कर सकते हो, उस डिपार्टमेंट जाके मिल सकते हो, उस डिपार्टमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है ये पता चलेगा। तो आप जब उस डिपार्टमेंट से जाके आप मिलके, अभी आप भी वही प्रोडक्ट बेचते हो, तो आप वहां से उनसे मिलके आप उनको और पहचान बना सकते हो। देखो इनको क्या, इसको बैक टू बैक कैसे ऑर्डर जा रहा है, देखो गोपालगंज पॉलिटेक्निक को, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखोगे तो इसका फर्नीचर का, यहाँ पर भी फर्नीचर का गया देखो, और 100% मैं बता रहा हूँ, उसका ऑर्डर डाउनलोड करो, एक ही आदमी को ऑर्डर मिला है। देखो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गोपालगंज, यही मतलब ये पॉलिटेक्निक और ये दोनों एक साथ होगा। इसमें भी देखो फर्नीचर वगैरह, ग्लास वगैरह, ये वो जो भी चीजें चाहिए वो लग रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज गोपालगंज, तो आप यदि फर्नीचर वगैरह देते हो तो शायद आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोपालगंज में जाके इस डिपार्टमेंट से मिल सकते हो। इनका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह चाहिए कॉन्टेक्ट करने के लिए, तो ये कॉन्टेक्ट डाउनलोड करो, वहाँ पे मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्ट फोन पे भी बात कर सकते हो। तो एक जरिया कम्युनिकेशन करने के लिए आपके लिए अच्छी हो सुमित सर बोलिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। सुमित सर, सुमित सर ठीक है, नेक्स्ट लेता हूँ। नेहा मैडम। सर जो ट्रेंड्स है वो सर्विसेज के लिए भी एप्लीकेबल है क्या? नहीं मैडम, सुमित सेम सर्विस, ओनली फॉर प्रोडक्ट, ओनली फॉर प्रोडक्ट्स। ओके सर। यस शर्मा सर। सर बिलिंग कैसे दे सकते हैं इसमें? सर साउंड नहीं आ रहा है मेरे पास। हाँ शर्मा सर बोलिए। सर इसमें आपने भी बिल दिखाया था ना पार्टी का, वो कैसे देखते हैं? नहीं समझा। अभी आपने एक बिल ओपन करके दिखाया था। बिल नहीं दिखाया था मैंने, कॉन्ट्रैक्ट बिल दिखाया था ना आपने। हाँ यहाँ से ये व्यू कॉन्ट्रैक्ट में जाओ, सर्च करो यहाँ से, और यहाँ पे आपको ये वाला डाउनलोड करो, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ से डाउनलोड जैसे हो जाएगा आपको वो कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी ऐसे खुल जाएगा। तभी कुछ यहाँ पे रहता है कॉन्ट्रैक्ट में, देखो सेलर का, बायर का नीचे मिल जाएगा। ये देखो बायर का है, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ। सिंह सर बोलिए। सर ये कॉल किया था कि कल सर्विसेज में जो आप दिखा रहे थे कि फायर एक्सबीटर वगैरह का, तो क्या फायर एक्सबीटर प्रोडक्ट में नहीं होता? होता है ना, वो प्रोडक्ट भी है, और देखो सर्विस में प्रोडक्ट यूज नहीं होता। अच्छा, आप जहाँ पे मैन पावर यूज करते हो उसको हम लोग सर्विस बोलते हैं, जहाँ पर मतलब कि साल भर का एएमसी वगैरह किया, एएमसी वगैरह वो सर्विस मेंटेनेंस, और आप यदि खाली प्रोडक्ट दे रहे हो तो प्रोडक्ट में जाएगा। अच्छा, इसके लिए कोई ऐसा तो नहीं कि मतलब कि जैसे बाकी आइटम का पेयर वगैरह करके भी इसको भी सप्लाई कर सकता है? क्या बोले?
जैसे बाकी आइटम का पेयर करके सेल कर नहीं, सकता है, सर्विस में पेयर नहीं रहता, सर्विस में हमेशा में नया ही रहता है। नहीं, नहीं हाँ सर्विस में नहीं, जैसे कि फायर एक्सबिटर की बात कर रहा हूँ, हाँ पाउडर टाइप चाहे जो भी है उसमें अलग अलग टाइप के जो आते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये भी तो पेयर करके प्रोडक्ट में सेल कर सकता है। हाँ कर सकते हैं ना, प्रोडक्ट ओके कोई भी सेल कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। व्हाट इज डिफरेंस, अमित सर का क्वेरी है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट परचेज और ऑफ एल1। सर डायरेक्ट परचेज ही दो पार्ट में है, एक 25,000 के नीचे का है जहां पे किसी को भी कोई भी ऑर्डर मिल सकता है, मतलब किसी को भी नहीं, आपका प्राइस उसमें से कम होना चाहिए, वो उसके लिए कंपेयर नहीं करना पड़ता। L1 में क्या होता है, कंपेयर करना पड़ता है तीन अलग और अदर ब्रांड के साथ और अलग सेलर के साथ। 25,000 में जो होता है उसमें विदाउट एनी कंपेयर और डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते, इसको डायरेक्ट परचेज बोलते हैं। और L1 भी डायरेक्ट परचेज का ही पार्ट है, पर वो विद कंपेयर, कंपेयर होने के बाद। सर लेकिन उसके अंदर क्या, अगर हमारा 25 लाख की जगह 50 लाख का ऑर्डर हो तो? नहीं, 5 लाख के ऊपर नहीं होता, जिसकी लिमिट 5 लाख। अच्छा सर, चलो क्लियर है, यहां पे हम लोगों ने सभी आपके डाउट्स को क्लियर